राष्ट्रीय पार्टियों ने भी किसानों के समर्थन में खोला मोर्चा। कटनी राष्ट्रीय किसान मोर्चा आम आदमी पार्टी ने भी किसान विरोधी कानून वापस लिए जाने के संदर्भ में किसानों के आंदोलन में हिस्सा लेते हुए तहसील परिसर से सुभाष चौक होते हुए कटनी स्टेशन चौराहा तक किसान आंदोलन में दुकानदारों से आग्रह करते हुए कि दुकान आज बंद की जाए, जिससे किसानों को आपका सहयोग प्राप्त हो। शहर के सभी दुकानदारों से अपील करते हुए रैली निकाली। दिलबहार चौक में दारू की दुकान की शटर गिराई गई। किसान विरोध में पारित 3 काला कानून जो महामारी के दौरान बगैर किसान की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, उसे रद्द किया जाए। किसान के उत्पादित वालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों पर 3/7 का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाए। लोकसभा में ऐसा कानून बनाया जाए। इन सब मुद्दों को रखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को SDM के माध्यम से तहसील परिसर में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा सौंपा ज्ञापन। कटनी से प्रवीण पाराशर की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरमन सिंह पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्यप्रदेश महासचिव। तो ये आपके पूरे प्रदेश में आपकी पार्टी कर रही है किसान आंदोलन? पूरे हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इस मोर्चे के माध्यम से 545 जिलों के अंदर एवं सारे राज्यों के अंदर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से जो केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल लागू किया गया है, वह काला कानून है। हमारे किसान मोर्चा के माध्यम से इस कानून को ख़त्म करने के लिए यह आज जो रैली की गई है, जो ज्ञापन दिया गया है, इसलिए यह रैली की गई कि सरकार इस कानून को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। अगर ख़त्म नहीं करती है तो हमारे लोग, हमारा संगठन पूरे देश के अंदर जन आंदोलन खड़ा करने की। तो आपने आम आदमी के पार्टी के साथ मिल के आंदोलन किया? नहीं, आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है, किसान संगठन हमारा है। तो आपने उनके साथ मिलकर ही किया? मतलब जी जी हाँ, हम लोगों ने सब मिल के काम किए। आपका नाम? मेरा नाम सरमन सिंह पटेल। तो पार्टी में किस पद पे हैं आप? मेरा पार्टी का तो नहीं है, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी समर्थन किया है राष्ट्रीय किसान मोर्चा को, मैं उसका प्रदेश महासचिव।